अरशद शरीफ की कत्ल की खबर सुनकर हैरान परेशान हूँ। पाकिस्तान एक मुहिब वतन और सच्चे सहाफ़ी से महरूम हो गया। ये क्यों हुआ, किसने किया, सवालात उठ रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी के बोलियों से गुफ्तगू, उनका कहना था कि मुल्क के मौजूदा हालात इंतहाई परेशान कुन हैं। अरशद शरीफ की जो शहादत है ये दिल बैठ जाता है, ये कहते हुए अरशद शरीफ की शहादत यकीन नहीं आता कि अरशद शरीफ अब हम में से नहीं, अल्लाह के काम है। लेकिन कुछ सोचें, कुछ खुदा का खौफ करें, ये इस सिलसिले को रुकना चाहिए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा दिलवाने के लिए पूरे सहाफ़ियों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि बगैर उसका नाम लेंगे, स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते, अभी कोई फिंगर नहीं पॉइंट कर रहा है किसी पर, लेकिन एक इंफॉर्मेशन शेयर की है कि स्नाइपर राइफल से उसको मारा गया और फ्रंट सीट पे ड्राइवर सीट के साथ वो बैठा हुआ था और उसके सर पे गोली मारी गई है। एक बार फिर नंबर वन बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा, इलेक्शन पे तवज्जो करते और उसके बाद जो हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गया है कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही, वो बंद गली पहुँचते पहुँचते वजीर आजम की कुर्सी तक पहुँच गए। 68% सार्वजनिक ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर वन। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।